तो गाइस जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं तो आप एक टर्म जरूर सुनते होंगे, दैट इट इज आईपी डैश डैश रेटेड प्रूफ। अब इसको देखकर आप सोचते हो कि भाई आईपी रेटिंग्स इसकी लाइक एग्जांपल 68 है तो ये हमारा वाटर प्रूफ है। तो एक्चुअल में IP68 रेटिंग या IP57 रेटिंग या IP48 रेटिंग या IP44 रेटिंग, व्हाट इज इट, एक्चुअल में है क्या? बस हम देखते हैं और सोच लेते हैं कि भाई ये हमारा वाटर प्रूफ है, चलो काम खत्म, हमारा फोन वाटर प्रूफ है। क्या आपको पता है कि जो रेटिंग होती है बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है इसके ऊपर कि आपकी जो वाटर प्रूफ या फिर डस्ट प्रूफ की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड होगी, अदरवाइज आपका जो डिवाइस है वो खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आईपी रेटिंग्स क्या होती हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आईपी कि आईपी होता क्या है। आईपी स्टैंड्स फॉर इनग्रेस प्रोटेक्शन, मतलब इनग्रेस इन द सेंस कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी के अंदर एंट्री होने को हम इनग्रेस बोलेंगे। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि उससे प्रोटेक्ट होना, यानी फॉर एग्जांपल हमारा एक फोन है, फोन के अंदर मान लीजिए मेरा फोन है, फोन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, वो हम लिक्विड भी कह सकते हैं डस्ट भी कह सकते हैं, उसके एंटर होना उस बॉडी के अंदर, फोन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा तो क्या होगा, मदरबोर्ड फूक जाएगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रोटेक्शन, उसके अंदर पास होने, उसके अंदर एंटर होने की प्रोटेक्शन को बोलते हैं हम इनग्रेस प्रोटेक्शन। ठीक है, इनग्रेस प्रोटेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आपने देखा होगा जब भी आप आईपी रेटिंग्स देखते हैं, तो आप जब भी आईपी रेटिंग्स देखते हैं उसके अंदर आपको 2 डिजिट हमेशा मिलेंगे, जैसे IP45, IP58, IP57, IP68। मतलब आपको आईपी के बाद जो भी 2 डिजिट मिलेंगे, न्यूमेरिकल डिजिट, उन डिजिट की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है। यहाँ पर 2 डिजिट के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारा फोन की जो लिमिट है, रेंज है वाटर प्रूफ होने की या फिर डस्ट प्रूफ होने की, वो कितनी है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आईपी रेटिंग्स के पहले वाले डिजिट की, जो कि इंडिकेट करता है हमारा सॉलिड पार्टिकल्स की परमेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल मेरी एक बॉडी है, जैसे कि मेरा सीपीयू है, आपने सीपीयू के अंदर छोटे छोटे छेद देखे होंगे, 3 से 4 mm के जनरली ये छेद होते हैं जिसकी वजह से हमारे सीपीयू की हीट बाहर जा सके। अभी जो हीट बाहर जाती है इसीलिए छेद बनाए जाते हैं या फिर SMPS पे हमारे छेद का पैटर्न होता है। अब इसकी वजह से अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा सीपीयू है इसके अंदर इतने ऑब्जेक्ट जा सकते हैं, इतनी इसकी परमेबिलिटी है, सॉलिड ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा सकते हैं, तो वो हमारी एक रेटिंग हो गई, उसी को हम बोलते हैं हमारी सॉलिड रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड मेरा एक खाली एरिया में रखा हुआ है, वहाँ पर धूल जा सकती है, बिल्कुल कितनी भी चाहे उतनी धूल जा सकती है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसकी जो हमारी सॉलिड रेटिंग होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई बॉडी ही नहीं है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, वो खाली रखा हुआ है, मतलब कोई भी धूल आएगी, कुछ भी आएगा, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा वो भी जाकर यहाँ पर बैठ सकता है। ठीक है, ओके, लेट सपोज अब मैंने सीपीयू की बॉडी लगा दी इसके ऊपर। जैसे मैंने सीपीयू की बॉडी लगाई, अब मेरा मदरबोर्ड प्रोटेक्टेड है बड़े बड़े पार्टिकल से, लेकिन 4 mm से ज़्यादा छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर जा सकते हैं। मेरा जो मदरबोर्ड है वो 4 mm के पार्टिकल्स के लिए अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी रेंज होती है। और फॉर एग्जांपल आपने अपना देखा होगा मोबाइल का कैमरा, मोबाइल के कैमरे के अंदर डस्ट तक नहीं जाती। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा कैमरा है, जो हमारा मोबाइल का कैमरा है वो डस्ट प्रूफ है। मतलब छोटी सी हमारी मिलीमीटर की जो डस्ट होती है, माइक्रोमीटर की जो डस्ट होती है, वो भी हमारे कैमरे के अंदर नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उसकी जो सॉलिड रेटिंग है वो 4-5+ होती है। ठीक है, ओके, तो ये तो था हमारा सॉलिड रेटिंग। अब बात करते हैं लिक्विड रेटिंग्स की। अब लिक्विड रेटिंग्स के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मदरबोर्ड है, मेरा मदरबोर्ड खुले में रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बारिश पड़ी, बारिश पड़ी सीधा सीधा पानी जाएगा, तो वो क्या हुआ, जब सीधा सीधा उसके ऊपर पानी जाएगा मेरा मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी लिक्विड रेटिंग है, लिक्विड डायरेक्ट एंटर हो रहा है, ठीक है, लिक्विड डायरेक्ट एंटर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, इसको क्या बोलूंगा मैं, 0 रेटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है भाई बारिश पड़ रही है, मैंने शेड लगा दिया, शेड जैसे ही मैंने लगाया तो जो मेरा मदरबोर्ड है वो शेड, जो ऊपर का शेड है वो सारा पानी रोक लेगा, या फिर कह सकते हैं अम्ब्रेला सारा पानी रोक लेगा, मेरा जो मदरबोर्ड है वो डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो इसकी रेटिंग है वो 1 है, लिक्विड रेटिंग।
ठीक है। अब इसकी भी यहां पर अलग अलग कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बारिश अगर 15 डिग्री से तिरछी पड़ रही है, ठीक है। अब जब 15 डिग्री से तिरछी पड़ रही है तो वो क्या होगा, मेरे मदरबोर्ड को डैमेज कर देगी। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा, मुझे शेड को बढ़ाना पड़ेगा या फिर अम्ब्रेला को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा मदरबोर्ड कवर हो जाए। अगर 15 डिग्री की बारिश को भी रोक पा रहा है मेरा अम्ब्रेला या शेड, तो इट मीन्स इसकी जो रेटिंग हो जाएगी, लिक्विड रेटिंग, वो क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। अब बारिश 60 डिग्री से पड़ रही है, 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री से पड़ रही है और मैं इसको फिर भी रोक सकता हूँ। अगर मेरी एक बॉडी है जो 16 डिग्री की बारिश या फिर हमारा स्प्रे से हमारे जो मदरबोर्ड है या फिर हमारा जो डिवाइस है उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा या फिर डैमेज नहीं हो रहा, तो उस केस में मैं बोलूँगा 60 डिग्री पर जो इसकी रेटिंग होगी वो होगी 3। इसी तरीके से अगर चारों तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो क्या था, शेड था, अब चारों तरफ से स्प्रेज आ रहे हैं, फॉर स्प्रेज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नीचे से भी, ऊपर से भी, साइड से भी, चारों तरफ से स्प्रे मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ और ये मेरी बॉडी तब भी प्रोटेक्टेड है, तो इसको मैं बोलूंगा 4 रेटिंग। अगर चारों तरफ से स्प्रेज तो आ रहे हैं, इस बार स्प्रे नहीं है, प्रेशर के साथ जेट आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा 5 रेटिंग। और जेट का प्रेशर भी और भी ज्यादा है अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक आप यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, अगर इसने जो भी हमारी लिमिट होती है पर्टिकुलरली अलग अलग होती है डिवाइसेस के लिए, तो अगर उसको भी बेसिकली उस प्रेशर को भी झेल पा रही है और बॉडी के अंदर पानी एंटर नहीं हो पा रहा हमारा, तो इसको मैं बोलूंगा 6 रेटिंग। और 7 रेटिंग को बोलूंगा मैं अगर पानी के अंदर ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को डाल दूं, मतलब अपने डिवाइस को डाल दूं, पानी के अंदर जब मैं अपने डिवाइस को डालूंगा और पानी उसके अंदर एंटर नहीं हो रहा, तो इसको बोलूंगा मैं 7 रेटिंग। और अगर अगर पानी कितने हमारा 1 मीटर तक बॉडी हमने पानी के अंदर डाली तो पानी नहीं एंटर हुआ, ये 7 रेटिंग के अंदर ही रहेगा। अगर 1 मीटर से नीचे मैं अपनी बॉडी को ले गया और फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट से अबव ले गया, इस केस में अगर तब भी पानी नहीं जा रहा मेरी बॉडी के अंदर, इट मीन्स जो उसकी लिक्विड रेटिंग है वो है 8। और अगर आपको एग्जैक्ट कंडीशन वगैरह देखनी है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारी हमारी एग्जैक्ट कंडीशन होने वाली है कि क्या क्या कंडीशन होती है किस किस रेटिंग के लिए। तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं जो आपकी बेसिकली डिवाइस की रेटिंग है वो क्या है और आप उसको किस तरीके से अच्छे में यूज़ ले सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करना और जो मन में वो करना। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें।